मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक कर प्रदेश में कोविड काल में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से सक्रिय करने और प्रदेश में विकास की विभिन्न योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान की पीएम मोदी के साथ चली करीब एक घंटे की बैठक में प्रदेश के विकास और योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से सक्रिय करने और उपभोक्ता खपत बढ़ाने के प्रयास को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। कोविड 19 की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण के संबंध में सुझाव को लेकर बात की गई। बैठक में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के साथ औद्योगिक विकास, नक्सली गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत विगत 8 माह में प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। इस मौके पर शिवराज ने बाढ़ संकट के दौरान 611 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता रवि 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा 22 लाख मैट्रिक टन यूरिया के आवंटन और कैंपन निधि के 860 करोड़ रुपए प्रदेश को दिए जाने हेतु प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। उपचुनाव में विजय के पश्चात पहली बार माननीय प्रधानमंत्री से मिला था, मध्य प्रदेश के विकास के बारे में, जन कल्याण के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कोविड की स्थिति के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की और वैक्सीनेशन की जो तैयारी चल रही है उसमें कैसे वैक्सीनेशन होना चाहिए, अनेकों प्रकार के विचार मेरे दिमाग में भी थे, हमने शेयर किए। जैसे कि जन जागरण अभियान ये भी चले कि बुजुर्ग या जो बीमार हैं या जिनको एक से ज्यादा बीमारी है, ये हमारे जो हेल्थ वर्कर है उनके साथ साथ पुलिस, रेवेन्यू और बाकी भी अमला जो इस काम में लगे रहते हैं उनको तो टीका लगे, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं विशेषकर यूथ युवा, एक अभियान ये चले कि वो खुद स्वेच्छा से कहे कि हमें टीका अभी नहीं लगाया जाए, बाद में लगाया जाए। जैसे गैस की सब्सिडी छोड़ी थी वैसे हम बाद में टीका लगवाने को तैयार, वैसे ही जहाँ भौगोलिक दृष्टि से संक्रमण ज़्यादा है उन इलाकों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि कोविड एक जैसा नहीं है, ना देश में ना हमारे प्रदेश में, कुछ जिलों में बिल्कुल नहीं, कुछ जिलों में बहुत है, जहाँ ज़्यादा है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और अगर कोई कंपनी वैक्सीन बनाती है और पेटेंट करा लेती है तो हमने ये सुझाव दिया कि अनिवार्य लाइसेंसिंग की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वैक्सीन के डोजेज चाहिए, एक कंपनी अगर ना बना सके तो दूसरी कंपनी को भी उसी फार्मूले को बनाने का काम दिया जा सके। ऐसे अनेकों बिंदुओं पर वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। फिर मध्य प्रदेश में जो वित्तीय स्थिति है, रेवेन्यू कम आया है, केंद्र से आने वाला रेवेन्यू भी कम हुआ है, तो वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में क्या करें। मैंने आग्रह किया कि कम से कम 1% और जीडीपी का, टोटल जीडीपी का अगर लोन लेने की इजाज़त मिल जाए, क्योंकि रेवेन्यू केंद्र के पास भी उतना भी नहीं है और राज्य के पास भी उतना नहीं है, उस पर भी चर्चा हुई, मैंने आग्रह किया। मध्य प्रदेश में जो अतिवृष्टि और कीट व्याधि के कारण फसलों को नुकसान हुआ उस पर भी चर्चा करके मैंने मध्य प्रदेश को सहायता दी जाए इसका आग्रह किया। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो जैसी चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना हो, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो उसका उपयोग हो, एसपीओज बनाना हो, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण हो, उसमें काफ़ी अच्छा काम चौका था मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। ऐसे अनेकों मुद्दे थे डेवलपमेंट के, प्रदेश के विकास के, जनता के कल्याण के, जिनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। एक चिट्ठिया भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दी।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पूरा पुस्तिका मैंने उनको सौंपी है और टाइमलाइन हम तय करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके मुख्य बिंदुओं पर भी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, सड़कों का सवाल हो, सिंचाई का सवाल हो, पर्यटन का सवाल हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल हो, सुशासन का सवाल हो, गुड गवर्नेंस या अर्थव्यवस्था और रोजगार का मुद्दा हो, हर एक के विस्तार से चर्चा। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।